नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का चौथा प्रश्न हम कर रहे हैं। आकृति 6.19 जो कि ये आकृति है में DE देखिए बच्चे ध्यान से देखना, DEAC के समांतर है और DFAE के समांतर है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है, DEAC के समांतर है, DFAE के समांतर है। ठीक है बच्चों, हमें सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सिद्ध होगा। बच्चों इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने त्रिभुज में से इस भाग को हटा दिया और एक ये जो लाइन थी DE इसको हटा दिया, तो हमारे पास ऐसी एक आकृति आई AE, देखिए AE, DF, DF और B पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, इसे आप सीधी रेखा मानिएगा, ये मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसे आप ऐसा मानिएगा। हमने क्या किया, अभी सी बिंदु को और ई बिंदु को छुपा दिया है। ठीक है बच्चों, इसमें से मैंने AE, DF और B, ये एक त्रिभुज बनाया। अब देखिए आप त्रिभुज BEA में या ABE में DF AE के समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, यदि ये समांतर हो तो ये बराबर अनुपात में आएंगे, यानी कि BF बटा FE बराबर होगा BD बटा DA के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी में से हमने ये बनाया था, ऐसे ही इसी में से मैं ये एक और आकृति बना रहा हूं। कैसे, अब इस बार मैंने F बिंदु को छुपा दिया, यानी इस लाइन को छुपा दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये BCA एक त्रिभुज बना, इसमें ये इसको भी हमने छुपा दिया, तो ये ऐसी बन गई AC के समांतर DE, और ये लाइन को हमने छुपा दिया है, यहाँ बिंदु है B, तो इसी में से इसका फायदा क्या होगा बच्चों कि देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज BCA में DE समांतर है AC के, तो फिर से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार BE बटा EC बराबर होगा BD बटा DA के, BE बटा EC बराबर होगा BD बटा DA के। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम। यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे तो देखिए BD बटा DA, यदि दो इक्वेशनों की राइट साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका अर्थ है BF बटा FE फ्रॉम 1 एंड 2 BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के, और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करो BF बटा FE बराबर है BE बटा EC के। ठीक है बच्चों, तो ये सिद्ध हुआ। बच्चों ये कैसे संभव हुआ,
एक आकृति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, मिक्स सी थी, हमने इसको दो विभिन्न विभिन्न आकृतियों में बनाया, जिससे कि हम बड़ी सरलता से इनमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा पाए और दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करने से अपना उत्तर हम ज्ञात कर पाए। तो बस जरूरत किस बात की है कि सिर्फ इस आकृति को आपने इस दो प्रकार से देखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारा यह प्रयास समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।